नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज आकलन के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, आपके जो नवम बुक है वो है अधिगम के लिए आकलन, जो 80 नंबर की है, जिसमें दो खंडों में आपके बुक आए, दो खंडों में क्वेश्चन आंसर आएंगे। पहला जो खंड होगा उसमें लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी होंगे। 12 प्रश्न होंगे, उनमें से 7 प्रश्न आप सबको करने हैं। इसके अलावा खंड ब में जो प्रश्न होंगे उनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार बच्चों, आपकी जो ये नवी बुक है अधिगम के लिए आकलन। क्या नाम है? अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए जो आकलन बुक है ये नवी बुक है, और इस नवी बुक में आपकी जो बुक है असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, ये 80 नंबर की है। कितने नंबर की है? 80 नंबर की है। और इस 80 नंबर की बुक का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है बच्चों आपके आकलन। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, इन सब के बारे में हम सब इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा कि आपका जो नवा पेपर होगा अधिगम के लिए आकलन, किसके लिए है? ये बीएड सेकंड ईयर के जो शिक्षा विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों का जो नवा पेपर होगा उस बुक का नाम है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, ये 80 मार्क्स की है। सबसे महत्वपूर्ण बुक है बच्चों। बाकी जो पेपर से आपके 35 मार्क्स के हैं, आपकी ये जो बुक है 80 नंबर की है बच्चों। तो इसलिए ये वाली जो बुक है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहते हैं कि ये बुक के सभी टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें सुने, और जो बोर्ड पर मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं उनको साथ में कॉपी में लिखते जाइए। तो देखिए बच्चों, यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है आपके आकलन। आकलन क्या होता है बच्चों? 1776 में चार्ल्स ने एक बुक प्रकाशित करवाई। उस बुक में कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, जो वैज्ञानिक विज्ञान है उसके आधुनिक दृष्टिकोण क्या क्या है, किन दृष्टिकोणों का उपयोग करके हम विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं। धीरे 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 ये परंपरा आगे बढ़ती रही, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इस आकलन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा बच्चों। तो क्या होता है आकलन बच्चों? आकलन होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, समझकर, परिस्थितियों को देखकर, उसको समझ करके उसमें संशोधन कर सके, वो ही होता है बच्चों आकलन। आकलन जो होता है वो मूल्य होता है। क्या होता है? वैल्यू होती है। जैसे हम किसी बच्चे के 100 में से 20 मार्क्स आते हैं, सेकंड सेमेस्टर में 30 मार्क्स आते हैं, थर्ड सेमेस्टर में 40 मार्क्स आते हैं, तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि इस बच्चे का शैक्षिक निष्पादन अच्छा हो रहा है। तो शैक्षिक निष्पादन अच्छा हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हमने उस बच्चे का आकलन कर लिया। तो ये है आकलन। तो आकलन बच्चों दो शब्दों से मिलकर के बना है, मूल्य और अंकन। मूल्य और अंकन दो शब्दों से मिलकर आपका आकलन बना है। और आकलन का अभिप्राय बच्चों यही होता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, समझकर, परिस्थितियों का ज्ञान करके, उसका मूल्यांकन करके, उसका मूल्य निर्धारण कर देना ही आकलन कहलाता है। देखो बच्चों, कई बच्चे बोलते हैं कि आकलन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू है बच्चों। जैसे आप जानते हो बच्चों, सभ्यता और संस्कृति भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, बट हम सभ्यता को संस्कृति नहीं कह सकते और संस्कृति को सभ्यता नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृति आंतरिक मूल्य है जबकि सभ्यता
बाहरी मूल्य है बच्चों। तो आप आकलन में देखिए, जिस बच्चे का हमने मापन किया, अगर हमने उसको मूल्य दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, मूल्य दे दिया, वैल्यू दे दी कि उसका कार्य निष्पादन अच्छा है, वो कक्षा में बेहतर नहीं कर पा रहा, वो खेल कूद में बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो ये उसका हमने क्या कर लिया बच्चों, आकलन कर लिया। जबकि उसको अंक देना कहलाता है बच्चों मापन, क्या कहलाता है मापन। और जब हमने मापन को मूल्य दे दिया और उसके आकलन का एक बहुत बड़ी दीर्घकालीन प्रक्रिया बना ली, तो बच्चों मापन और आकलन मिलकर के क्या बन जाते हैं, मूल्यांकन बन जाते हैं। तो मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है आकलन। आकलन अधिगम के लिए आकलन वाली बुक की फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक आकलन। आकलन दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों, मूल्य और अंकन। अब कई डेफिनेशन है इनकी, इसके आधार पर हम समझेंगे कि आकलन होता क्या है बच्चों। टारगर्सन और एडम्स ने क्या कहा बच्चों, किसी प्रक्रिया अथवा किसी वस्तु के महत्व का निर्धारण करना, किस चीज की क्या वैल्यू है, छात्र क्या कर रहा है, छात्र कितना सीख रहा है, छात्र की शैक्षिक निष्पादन कितना अच्छा है, स्कूल का वातावरण कैसा है, स्कूल के कक्षा का वातावरण कैसा है, शिक्षक में कौन कौन से गुण हैं, शिक्षक किन किन गतिविधियों को संपादित कर रहा है, छात्र किन किन विषयों में रुचि ले रहा है, छात्र किस विषय में रुचि नहीं ले रहा है, कितने छात्र खेलकूदों में अच्छा कर रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो हस्त कौशल में अच्छे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं गणित में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, हमने किसी भी वस्तु के महत्व का निर्धारण कर लिया, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, आकलन। तो आकलन का पहला मतलब तो क्या हो गया बच्चों, किसी वस्तु के महत्व का, किसी वस्तु के महत्व का निर्धारण करना, क्या कहलाया बच्चों, क्या कहलाया, आकलन कहलाया। अब आती है बच्चों क्विलेन और हन्ना ने इसकी क्या परिभाषा बताई, वो देखिए। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों को एकत्र करना और व्यवस्था करना। वैल्यू मतलब ये है कि आकलन में छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, छात्र के व्यवहार को देखा जाता है। तो आकलन में क्या होता है, छात्र के व्यवहार को देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तन, कि छात्र के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों, क्या क्या परिवर्तन बच्चों में, बच्चे ने कितना सीखा, छात्र को कितना पढ़ाया गया, छात्र ने उसके अकॉर्डिंग कितनी एक्टिविटी करी, छात्र को जो समस्या दी गई उसका उसने कितना समाधान किया, इन सब के बारे में प्रमाणों को एकत्र करना और उनकी व्यवस्था करना, कि बच्चे को एक मूल्य का निर्धारण कर लिया कि बच्चे ने इतना सीख लिया है, ये सब क्या कहलाता है बच्चों, आकलन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। ये परिभाषा बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी क्विलन और हन्ना ने। अब बात आती है बच्चों क्रॉनबैक। क्रॉनबैक ने कहा, जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है या नहीं। मान लो आपका व्यवहार नहीं बदला, आपके व्यवहार, छात्र के व्यवहार में विद्यालय के परिवर्तनों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, और शिक्षक और छात्र, जो शिक्षक पढ़ा रहा था, छात्र पढ़ रहा था, लेकिन जो वो पढ़ रहे थे उससे उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सका या नहीं किया जा सका, इसके बारे में बताने का कार्य करता है बच्चों क्या, कौन है, आकलन। तो क्रॉनबैक कहते हैं कि जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं,
इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आकलन कहते हैं। फिर आती है बच्चों इरविन की परिभाषा। इरविन क्या कहते हैं बच्चों, देखो, छात्रों में व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। बच्चे ने कितना विकास किया, कितना उसका मानसिक विकास हुआ, कितना उसका शारीरिक विकास हुआ, उसका अनुमान लगाना कि बच्चा गणित में इतना अच्छा कर रहा है, बच्चा साइंस में इतना अच्छा कर रहा है, तो ये सब चीजों का अनुमान ही बच्चों क्या है, आकलन है। क्या है? आकलन है। फिर आती है बच्चों क्या दुबा एवं भीड़ के अनुसार क्या है, सूचना संग्रह। किसी भी छात्र के विषय में, स्कूल के संबंध में, शिक्षक के संबंध में सभी प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित करना और उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है, आकलन है बच्चों। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों कि आकलन क्या है। आकलन सूचना संग्रहण करने और विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। आकलन शिक्षक और छात्र यह निर्णय कर पाते हैं कि उसने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया या नहीं किया, वो आकलन है। छात्र के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों को एकत्र करना और उनको व्यवस्थित करना ही आकलन है। ये आ गई बच्चों आकलन की परिभाषाएं। तो एक बार और देख लेते हैं परिभाषाओं में। पहली परिभाषा टॉगरसन और एडम्स की, जिसने कहा किसी प्रक्रिया व किसी वस्तु के महत्व का निर्धारण करना ही आकलन है। दूसरा है क्विलिन और हन्ना ने कहा कि छात्र के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों को एकत्र करना और उनकी व्यवस्था करना ही क्या है, आकलन है। फिर आता है क्रॉनबैक के अनुसार, जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सका या नहीं किया जा सका, यही आपका आकलन है। इरविन कहते हैं छात्रों में व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान ही आकलन है। और हुबा और फिड कहते हैं कि सूचना संग्रहण और उस पर विचार करने की प्रक्रिया ही आकलन है। ये परिभाषाएं हैं बच्चों, इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है। अब बात आती है बच्चों उद्देश्य। आप सब जानते हैं बच्चों कि आकलन का उद्देश्य क्या होगा। आकलन के बारे में आपने समझ लिया, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, विद्यालय परिस्थितियों में परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, ये सब क्या है, आकलन के उद्देश्य हो सकते हैं। अब बात आती है अलग अलग संदर्भ में अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो बच्चों देखो बालकों के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य क्या है। बालक क्या जानते हैं, आकलन क्या देखता है कि बच्चा क्या क्या जानता है, ये उद्देश्य है आकलन। जब आकलन किया जाता है तो आकलन का मेन मोटिव होता है कि बच्चा क्या जानता है, इसकी जानकारी जुटाना, ये उद्देश्य होता है आकलन का। दूसरा है बच्चे की आवश्यकताएं क्या है। आप जानते हो जब कक्षा में टीचर पढ़ा रहा होता है तो विशिष्ट आवश्यकता वाला जो बालक होता है उसकी आवश्यकताएं जानना कि उनको किन किन विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, तो इन आवश्यकताओं को पहचानना भी क्या कहलाता है बच्चों, आकलन कहलाता है। तो बालक क्या जानता है और बालक की आवश्यकताएं क्या है, ये आकलन का उद्देश्य है बालकों के संदर्भ में। फिर है उनका उचित निर्धारण करने में कि जो आप बालक क्या जानते हैं, बालक की आवश्यकताएं क्या है, फिर उनको देखेंगे कि उनका उचित निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है और पाठ्यक्रम का चयन करने में किसका पाठ्यक्रम का चयन किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि सभी बच्चे अधिगम कर सके, ये देखना बच्चों आकलन का मेन उद्देश्य है बालकों के संदर्भ में। अब बात आती है बच्चों परिवार के संदर्भ में। आकलन का उद्देश्य क्या है, आकलन क्यों करते हैं। माता पिता को हर छात्र की
जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हम समय समय पर प्रत्येक छात्र का आकलन करते हैं। तो माता पिता को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, छात्र प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, छात्र ने कितना शैक्षिक निष्पादन किया, कितना अधिगम किया, इसकी सारी जानकारी माता पिता को उपलब्ध करवाने के लिए हम आकलन करते हैं। फिर आता है बच्चों कि आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है घर की गतिविधियों और अनुभवों को जानना, कि बच्चा घर में कौन कौन सी ऐसी गतिविधि कर रहा है, कौन से माहौल में खेल रहा है, कौन से माहौल में बच्चा रह रहा है, उसका आस पड़ोस कैसा है, उसका सामाजिक वातावरण कैसा है, उसका भी आकलन करना आपका उद्देश्य होता है। किसका आकलन का उद्देश्य होता है? स्कूल की गतिविधि व अनुभवों की जानकारी प्राप्त करना भी आकलन का उद्देश्य होता है। तो परिवार के संदर्भ में आपने देखा, माता पिता को छात्र की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवाना, घर की गतिविधि व अनुभवों की जानकारी प्राप्त करना, स्कूल गतिविधि व अनुभवों की जानकारी प्राप्त करना आकलन का उद्देश्य होता है। अब बात आती है बच्चों छोटे बच्चों के कार्यक्रम। छोटे बच्चों के लिए को आकलन क्या करता है कि कौन कौन से कार्यक्रम बच्चों को करवाए जाने चाहिए, इसका आकलन करना, मतलब उसको देखना आकलन का उद्देश्य होता है। किस सीमा तक कौन सा कार्यक्रम लाभकारी रहा, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, उसको खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, उसको कुछ वस्तु दिखाई जा रही है, मूर्त वस्तु दिखाई जा रही है, फिर उसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे बच्चे को यहाँ पर महाराणा प्रताप की तस्वीर दिखा दी गई, फिर उसके बाद उसका अधिगम करवाया, तो किस प्रकार किस सीमा तक कौन से गतिविधि करने पर बच्चे ने कितना अधिगम किया, ये आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों। तो कौन कौन से कार्यक्रम छोटे बच्चों के लिए चलाए जाने चाहिए, ये आकलन का उद्देश्य है। किस सीमा तक कौन सा कार्यक्रम लाभकारी होगा, ये आपका आकलन का उद्देश्य होता है। अब बात आता है बच्चों छोटे बच्चों के अध्यापकों हेतु आकलन की आवश्यकता क्यों है। बच्चों हेतु छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की कौशल योग्यता और आवश्यकता की पहचान करने में आकलन का मेन रोल होता है। बच्चों शिक्षण सामग्री का चयन, आप जानते हो बच्चों अध्यापक अपने कौशल के अकॉर्डिंग क्लास में टीचिंग करवा रहा है, लेकिन आकलन के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन सी शिक्षण सामग्री के द्वारा उपयुक्त शिक्षण या अधिगम बच्चे को करवाया जा सकता है। तो शिक्षण सामग्री का चयन करने में भी आकलन का योगदान होता है। इसके अलावा नई कक्षा की व्यवस्था करना, नई कक्षा की व्यवस्था का मतलब है मान लो किसी बच्चे का शैक्षिक निष्पादन अच्छा नहीं है, अच्छे अंक नहीं ला रहा है, बार बार मापन करने के बाद में भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए नई कक्षा की व्यवस्था करना, विशेष कक्षाओं की का आयोजन करवाना, उसको दोबारा उसी चीज को सिखाना, ये आकलन का उद्देश्य होता है। अधिगम गति, बच्चा किस गति से सीख रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करना भी आकलन का उद्देश्य होता है। उसके बाद आता है बच्चों क्या, उसके बाद आता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने में भी किसका योगदान है, आपका आकलन का योगदान है। आकलन चाहता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जाना जाए, आकलन का उद्देश्य अधिगम गति को जाना जाए, आकलन का उद्देश्य नई कक्षा की व्यवस्था करना, आकलन का उद्देश्य है शिक्षण सामग्री का चयन करना, और अध्यापक किस कौशल योग्यता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए, इन सब को समझना ही आकलन का उद्देश्य है। बच्चों आकलन इसीलिए किया जाता है ताकि इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख कर ही बच्चे का आकलन किया जाता है। बालक के संदर्भ में देखा जाता है, बालक क्या जानते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, वो कितना अधिगम कर रहे हैं, किस आधार पर और अच्छा अधिगम कर सकते हैं, ये देखना।
पाठ्यक्रम का चयन करने में भी आकलन का योगदान होता है कि हर तरह का बच्चा एक ही कक्षा में सीख पाए, इसके लिए भी आकलन की व्यवस्था की जाती है। तो ये आपने आकलन के उद्देश्य पढ़े। इसके अलावा भी अन्य लोगों के लिए आकलन का उद्देश्य है सभी को हर प्रकार की छात्र के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाना भी आकलन के उद्देश्यों में शामिल होता है। फिर आता है छात्र को विद्यालय संबंधी जानकारी देना। छात्र को विद्यालय की समस्त गतिविधियों की जानकारी होना उपलब्ध करवाना भी आकलन का उद्देश्य होता है। तो ये सब उद्देश्य आपने पढ़े। इसके अलावा भी कई उद्देश्य बच्चों, मापन के दोषों को कम करना। देखो बच्चों, किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो मापन के आधार पर अगर हमने आकलन नहीं किया बच्चे का कि क्यों आए हैं, तो उस बच्चे का अगर हमने आकलन नहीं किया तो हम मापन के दोष को दूर नहीं कर पाएंगे। तो आकलन का मेन मोटिव है मापन के दोषों को दूर करना, मापन में जो विधियां काम में लाई जा रही है उसमें सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा उचित व्यावसायिक और शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक निर्देशन बच्चे को प्रदान करना आकलन का मेन उद्देश्य होता है कि मान लो कोई बच्चा किसी में अच्छा नहीं कर रहा तो उसके आधार पर उसको उचित निर्देशन दिया जाता है। तो ये भी आकलन का उद्देश्य है। इसके अलावा आवश्यक सुधार करना मेन मोटिव है बच्चों। अगर आकलन मापन किया जा रहा है, मापन करने के बाद बता दिया जाता है कि उसका निष्पादन कैसा रहा, अगर निष्पादन अच्छा नहीं रहा तो आकलन कहता है कि इसमें आवश्यक सुधार की क्या है, आवश्यकता है। तो आकलन का मेन मोटिव है कि जो भी शिक्षण सामग्री प्रयोग की जा रही है, जो भी अधिगम सामग्री प्रयोग की जा रही है उसमें आवश्यकता के अनुसार सुधार होना जरूरी है। इसके अलावा शैक्षिक कार्यक्रमों की जांच, समय समय पर जो भी शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों के लिए किए जा रहे हैं उनकी समय समय पर क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो जांच होती है तो हम क्या कर पाते हैं, आकलन का उद्देश्य निर्धारित हो पाता है। तो आकलन के उद्देश्यों में मापन के दोषों को दूर करने में, उचित निर्देशन प्रदान करने में, आवश्यक सुधार प्रस्तुत करने में, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना, छात्र की व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी आकलन का उद्देश्य होता है। क्या होता है आकलन के उद्देश्यों में, देखो बच्चों, आकलन के उद्देश्यों में छात्र की व्यक्तिगत और सामाजिक जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना भी आकलन का उद्देश्य होता है। इसके अलावा छात्र की दुर्बलता व गुणों को पहचानना, छात्र की दुर्बलता और गुणों को पहचानना भी किसका उद्देश्य होता है, आकलन का उद्देश्य होता है। मापन के दोषों को दूर करता है, उचित निर्देशन देता है, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है, शैक्षिक निर्देशन प्रदान करता है। इसके अलावा छात्र की रुचि, अभिवृत्ति, कौशल, इन सब के बारे में जानकारी जुटाने का काम कौन करता है बच्चों, आकलन। ठीक है, इसके अलावा भी अपन बोल सकते हैं कि शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करता है कि जो भी शिक्षण विधि छात्र को पढ़ाने में काम में ली गई है वो उपयुक्त है या नहीं है। तो सभी प्रकार आपने देखे, आज आकलन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, आकलन की परिभाषाएं आपने देखी, आकलन की अवधारणा क्या होती है इसके बारे में आपने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आकलन की विशेषताएं, आकलन का महत्व, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज मैंने आपको नवी जो आपकी बुक है अधिगम के लिए आकलन, उसका फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, आकलन क्या होता है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि आकलन क्या होता है, बालक का बहुमुखी विकास करना, मापन के दोषों को दूर करना,
छात्र की व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं को समझना, छात्र की दुर्बलता व गुणों की पहचान करना, छात्र की रुचि अभिवृत्ति कौशल का विकास करना, बच्चे को व्यावसायिक निर्देशन देना, शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ इसकी जांच करना, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सका है या नहीं किया जा सका इसको देखना, छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, छात्र का बहुमुखी विकास के लिए जो भी अवसर जुटाए जा सकते हैं उनको देखना, बालक की संवेगात्मक समस्याओं को देखना, बालक की शारीरिक दुर्बलताओं को समझना, ये सब आपका बच्चों आकलन के उद्देश्यों में समाहित होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आकलन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं ये अधिगम के आकलन वाली पुस्तक आपको पढ़ाऊं तो आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे और नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे बोर्ड पर लिखे हुए नोट्स को नोट डाउन करेंगे। धन्यवाद।